हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नाइक म्यूजिक। और आज जो टॉपिक के बारे में हम बोलने जा रहे हैं वो है जूनोडाई एडिटर। यूट्यूब में हर तरीके के मतलब ये आ गए हैं ट्यूटोरियल, कोई भी और बाकी नहीं। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सबसे सिंपल तरीका होता है। कुछ नहीं करना है, आप पहले विंडोज क्लोज करो। आप जो बैकअप मतलब जिधर से निकाल कर उधर जिधर और जिस बैकअप में डालने चाह रहे हैं वो क्या करना है, पहले तो आप इंस्टॉल कर लें। आपको तो पता होगा कीबोर्ड से कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करना है, कुछ नहीं, विंडोज़ ऑफ करो। उसके बाद ये मेडी केबल ये लेके प्रिंटर केबल ये इंसर्ट कर लो। करने के बाद आप जूनोडीआई एडिटर तो डाउनलोड करके पहले पीसी से मतलब इंस्टॉल कर लो। करने के बाद जूनोडीआई एडिटर ओपन कर लो। ये हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये आपका रीड करेगा, मतलब नहीं मेरा पहले से हुआ है सेटिंग इसलिए रीड कर ला, नहीं होता है तो आपको क्या करना है, पहले ये मतलब ये जो लिखा है सेटअप, पहले नया यूजर के लिए सेटअप में जाना है, सेटअप मिडी डिवाइस। और उसके बाद ये जितने भी इनपुट आउटपुट दिया है ये सभी को एक्सपेक्टेंड करके ओके कर लो। बस करने के बाद ये आ गया। और आपको जो जो टोन लेना है, मतलब मेरे को ये पियानो से ये 558 वाला मतलब मेरे को लेना है। इसको क्या करना है, बस ऐसे ऑन करो, निकाल लिया। निकालने के बाद इधर से जाके रीड करो। ये आपका रीड हो रहा है। देखो ये रीड होने के बाद ये हमारा ये डेस्कटॉप में आ गया। ये टोन आने के बाद कुछ क्या करना, इसको फाइल में जाना, जाके सेव एज करो। ओके, एक लोकेशन बताएगा आपको किधर रखना है। ये डेस्कटॉप लॉक करो। हाँ, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर। ओके, नहीं तो डेस्कटॉप में डायरेक्ट सेव करो। ओके, ये देखो हमारा ये डेस्कटॉप में आ गया। ओके, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद जैसे मतलब ये इस तरह जैसे जितना बार भी टोन आप मतलब, फिर ये मेरे को ये पियानो का ये पॉप वाला पियानो लेना है। इसको ऑन करने के बाद जितना बार भी हम ये करेंगे ये रीड करना। आप रीड करने के बाद ये प्रोसेसिंग होके आपका टोन आ जाएगा। ओके, देखो जितना बार भी टोन लो आप उतना बार रीड करो। जो जो टोन ये आ गया ना पॉप वाला पियानो, और इसको भी वैसे फाइल के सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या होता है, फिर आप दूसरी बैकअप इंस्टॉल कर लो। करने के बाद ये देखो इंस्टॉल करने के बाद दूसरी बैकअप इंस्टॉल करके आप क्या करना है, बस ये मतलब जाना है जूनो डिया एडिटर ऑफ करो। ओके, आप तो पहले ये सेव कर लिया होगा। ओके, मतलब ये देखो मेरा ये हो गया क्या, ये ऑर्गन कैटेगरी से जाके ये केल्बी गिटार हम निकल के रखे हुए हैं। हाँ, ये देखो हमारा केल्बी गिटार है ना। हम ये इधर क्या सेव कर रहे थे, पियानो। ये देखो इसको ऑन करने के बाद ये रीड करेगा। रीड करने के बाद आपका ये देखो पियानो आ गया है ना। ये पियानो आ गया, इसको छोड़ो। हम उससे पहले कुछ रखे थे टोन, इसके दिखाते हैं। ये देखो हमारा ये बैकअप पहले से हम रखे थे कुछ वेब फाइल, ये मांडोलिन ये फ्लूट, इसको ऑन करते हैं। ये देखो हमारा पियानो है। ये देखो ये रीड करेगा। रीड करने के बाद आपका वो फ्लूट आ जाएगा ये कीबोर्ड में। और कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट कीबोर्ड से ही सेव करो। ये आ गया ना, ये देखो ये फ्लूट आ गया।
उसको क्या करना है, डायरेक्ट कीबोर्ड से आपको मतलब लीगाटो, हमारा तो ये 10 में लीगाटो का ऑप्शन नहीं दिया है। लीगाटो करना है तो आपको क्या करना है, बस इधर जाओ, ये कॉमन कॉमन फाइल में जाके इधर ये लीगाटो का ऑप्शन दिया है, मोनोपोली, ये लीगाटो, इसको ऑन करो, बस कुछ नहीं करना। इसको ऑन करने के बाद कीबोर्ड से डायरेक्ट ये करो, शिफ्ट पकड़ के मेनू मारो, और इधर फाइल नेम जो भी देना है, इधर एंटर करने के बाद ये फाइल नेम पूछेगा। ओके, हमारा 512 में जिधर भी आपका फाँका है, मतलब खाली है, उधर आपको सेव करना है, बस इतना ही करो और कुछ नहीं जूनो डीआई एडिटर के बारे में। ओके, ये सबसे सिंपल तरीका है। धन्यवाद, और ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।